जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो, लेकिन इंसान धीरे धीरे रहना सीख ही जाता है। याद होगा कि कोरोना के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक इंस्पेक्टर की भी कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। अपने पापा की याद में बेटे ने एक सिलिकॉन स्टैचू बनवा दिया ताकि पिता का प्रेम हमेशा मिलता रहे। यह स्टैचू पिता की याद में बनवाया गया है। इसे देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई मूर्ति है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक इंस्पेक्टर अपनी वर्दी में सोफे पर बैठा हुआ है। यह पिता और पुत्र के गहरे रिश्ते को दिखाता है। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग बेहद भावुक हो रहे हैं। स्टैचू बिल्कुल असली लग रहा है। यह इतना असली है कि इंसान को पता ही नहीं लग रहा कि वाकई में कोई मूर्ति भी हो सकती है। यह मूर्ति बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह है। इस मूर्ति को अरुण कोरे ने बनवाया है। उनका मानना है कि यह महाराष्ट्र का पहला सिलिकॉन स्टैचू है। इसे उन्होंने अपने पिता राव साहेब कोरे की याद में बनवाया है। राव साहेब कोरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण में हुई थी। वे देश के लिए ड्यूटी कर रहे थे। इस मूर्ति को बेंगलुरु के मूर्तिकार श्रीधर ने 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। जानकारी के मुताबिक इस सिलिकॉन मूर्ति की लाइफ 30 साल तक होती है। इसे रोज कपड़े पहनाए जाते हैं। यह देखने में बिल्कुल इंसान की तरह होती है।